दोस्तों आखिरकार कतर को भारत के आगे झुकना ही पड़ा और जो उसकी हेकड़ी थी भारत को लेकर वो भी पूरी तरीके से निकल चुकी है। तो पिछले ही महीने कतर ने भारत के जो 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी थे उनको मौत की सजा सुनाई थी, वो भी पाकिस्तान के बहकावे में आकर, जिसके बाद भारतीय सरकार ने कतर के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए। साथ ही दोनों देश काफी समय से बैक चैनल के थ्रू भी बातचीत करने में लगे हुए थे, लेकिन अब इस सजा से रिलेटेड एक काफी अच्छी खबर हमारे सामने निकल कर आई है। तो क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, तो यार वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आप इस आर्टिकल में पढ़ ही सकते हो कि भारत ने कतर को अपील डाली थी इसे डेथ पेनल्टी को लेकर, जिसे कतर के कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि कतर को कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले थे हमारे 8-9 सैनिकों के खिलाफ। फिर क्या, भारत ने कतर को उसकी जगह दिखाई दी। अब कतर भारत को पहले की तरह समझ रहा था जिसके सिटीजन के साथ वो कुछ भी कर देगा और भारत अपने मुंह पर और आंख पर पट्टी बांधकर सब कुछ चुपचाप देखता रहेगा। लेकिन भारत ने कतर के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि कतर को पता चल गया कि उसकी औकात कहां पर है, क्योंकि आज जो कतर देखते हो चमचमाता हुआ वो सब भारतीय इंजीनियर्स और भारतीय मजदूरों ने ही बनाया है। यहीं तक नहीं बल्कि जो कतर है उसमें जो दवाइयां आती हैं उसका एक बड़ा हिस्सा भारत से ही जाता है। तो अगर भारत कतर की दवाइयां बंद कर देता तो इनके बुरे हाल हो जाते। और सऊदी अरेबिया ने भी कुछ ऐसी हरकत करी थी जब उसने जो क्रूड ऑयल थे उसके प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे। तो भारत ने अपने तेल का आयात सऊदी से शिफ्ट करके रशिया से स्टार्ट कर दिया था और आज के समय में रशिया भारत का नंबर 1 क्रूड ऑयल सप्लायर भी है। ऐसे ही कतर आज भारत का 49% एलएनजी सप्लाई करता है और भारत जैसी बड़ी मार्केट कतर से एलएनजी इंपोर्ट करना बंद कर दे तो इनका तो सच में तेल निकल जाएगा। तो आप क्या सोचते हो, क्या भारत को कतर को जो 2-3 ऐसे झटके देने चाहिए थे या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।